ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते, इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वह कोड़ के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बनाकर के पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं, राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। काओ जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस को भी, देश ने भी, हरियाणा ने भी और यूपी ने भी 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने का अवसर दिया था, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। उन्होंने राम जन्मभूमि की सुध नहीं ली, आपके विकास की सुध नहीं ली, आपके लोक कल्याण की सुध नहीं ली, ये केवल अपना भरते रहे, अपने परिवार के नाम पर करते रहे, बाकी किसी के नाम से इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, जैसे ही 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मोदी जी के आह्वान पर यूपी के अंदर सरकार बनी, अगले 2 वर्ष के अंदर, मात्र 2 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया और अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया। यह है डबल इंजन सरकार की ताकत।